साख किनार धर काही बाप करा हवे की बस 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 ये भी छोटे छोटे हैं ये हाँ ये लगभग 2-3 किलो का होगा तब पकेगा ये 2-3 किलो हो गए ये देखिए ये 1 किलो का तरबूज बता रहे हैं जब ये गाय का गोबर डाला अच्छा गाय का गोबर भी डाला हाँ नहीं फिर गाइस आज हम खड़े अर्थी में जगू भाई और झेंदू भाई के साथ आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे तरबूज की खेती कैसी होती है और तरबूज की बाड़ी बताएंगे ये गाइस हम जा रहे हैं जगू भाई के साथ में तरबूज की बाड़ी देखने इन्होंने तरबूज लगाए हैं तो यूट्यूब पर डालेगा सारी दुनिया वाले देखेंगे हाँ कि कौन कैसी खेती कर रहा है ये छोटी मक्का रह गई ये थोड़ा कौला है वाह ये कौले है थोड़े भुट्टे ऐसा बता रहे जगू भाई ये देखे तरबूज की बाड़ी ये तरबूज लगा हुआ है ये 2 बीघा खेत में लगाया इन्होंने जगू भाई ने तरबूज ये तरबूज में फूल आ रहे हैं गाइस अब तरबूज लगना शुरू होंगे 2 साल हो गया है पुलिस ये देखो दोस्तों ये तरबूज लगे हुए हैं ये भी छोटे छोटे हैं ये हाँ ये लगभग 2-3 किलो का होगा तब पकेगा ये 2-3 किलो हो गए ये देखिए ये 1 किलो का तरबूज बता रहे हैं जगू भाई ये डॉक्टर साहब ये लगे हैं ये लगे हैं यहाँ से एक मोड़ पर 20 किलो यहीं बढ़ जाएगी ये बता रहे 20 किलो तरबूज तो ये यहीं बन जाएगी यहीं के यहीं पर पैदा हो जाएगा ये देखो दोस्तों ये तरबूज लगे हुए ये देख सर ये भी तो कितने लोग ये बड़े बड़े लगे हुए ये बिल्कुल काले स्याह तरबूज हैं ये हाँ काले ऐसे हैं ये 7 किलो एक तरबूज कितना किलो का बनेगा जगू भाई ये 7 किलो 5 किलो 7 किलो 8 किलो की बनेगी अच्छा अच्छा ये बीज कहाँ से लाए थे आप ये बीज इधर से गुजरात से लाए गुजरात से लाए बागड़िया तरफ से अच्छा क्या किलो मिलता है बीज ये 35,000 रुपए किलो मिलती है अच्छा अच्छा 35,000 रुपए किलो मिलती है 1 किलो बीज में कितना लग जाता है अपना ये कम से कम अपने 2.5 किलो से थोड़ा ज्यादा है ये 500 ग्राम बीज में ये देखो लगभग 2 बीघा जमीन में इन्होंने लगाया है और 35,000 रुपए किलो बीज की कीमत है तो कम से कम 20-30-40 हजार को तो खिलाई दिया तो 5 ले मुखिला अभी अपने तरबूज कितने लाख का बन जाएगा जगू भाई कम से कम करीब 3.5 आसपास के ऊपर ये 3 से 4 लाख के बीच में ये तरबूज कमाई देंगे सीजन पर और ये मार्च अप्रैल में तैयार हो जाएगा तोड़ने के लिए मार्च अप्रैल में तैयार हो जाएगा ये चारों ओर देखिए तरबूज की फसल ये छुपे हुए तरबूज ये देखो ये पास से कैमरा ले जाने पर दिखाई दे रहे हैं ये पास में कैमरा ले ये देखो तरबूज ही तरबूज ही तरबूज मजा आ गया ना थैली ये DOP डाला अच्छा और 8 ट्रिप ये गाय का गोबर डाला अच्छा गाय का गोबर भी डाला हाँ ना फिर वो जो सल्फेट खत ने वो ड्रिप पे इसके पिलाए रहे हैं और दवाई भी डालना पड़ती है दवाई का छिड़काव करना पड़ता है अच्छा अच्छा दवाई का छिड़काव करना पड़ता है 3 बार छिड़काव है 3 बार दवाई का छिड़काव हो चुका है वो डब्बे इसको बिस्कुट के डब्बे टांगे हुए हैं ये पीला पीला दिख रहा है अच्छा अच्छा ये डब्बे क्यों टांगे पीले 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 डब्बे टांगे नहीं यहाँ से मछली आएगी ना इसमें अंदर बिस्कुट की गन आती इसमें अच्छा ये जो पीले डब्बे दिख रहे हैं ना इसके अंदर बिस्किट रखे हुए और मच्छर जो आते हैं वो बिस्कुट की सुगंध से इसके अंदर घुस जाते हैं ऐसा बता रहे जगू भाई इसकी बीमारी वहीं और ये इसकी सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम है हाँ। ये देखो ये ट्यूब लगी हुई है ट्यूब लगी हुई है ये पानी दे रहे हैं इसको ट्यूब से ये प्लास्टिक लगा दी है जितनी जरूरत होती उतना पानी ये सोख लेते हैं सोख लेती है 100% भराएगी अच्छा अच्छा 3 ट्राले तरबूज निकलेंगे ये सीजन पर ये 10 चक्के के 3 ट्राले गुभाई बता रहे हैं कि ये
गुजरात से सीख कर आए तरबूज की खेती। हाँ, गुजरात को सीख के आए ऐसे करने का भाई। तो अच्छे पशुओं को UID नंबर प्रदान किया जा रहा है और ये जग्गू भाई के सभी पशु बहुत ही शरारती हैं, इसलिए ये स्वयं ही टैगिंग कर रहे हैं जग्गू भाई। और ये भैंस बहुत ही शरारती, बदमाश और चालाक और तेज तर्रार भैंस है ये। इसको चार लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है और चारों को घिस रही है, ये देखिए। अब इसको भी जग्गू भाई ही टैगिंग करेंगे। खतरनाक टैगिंग की जा रही है जग्गू भाई के द्वारा। बहुत बदमाश है ये भैंस। पशुओं को 16 नंबर का UID नंबर प्रदान किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज के वीडियो के अंतिम पड़ाव में ये गेहूं का खेत देखिए, और ये लौकी, और ये आखिरी में पपीता। गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।